नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आज एक बड़ी खबर सामने आई है। आरबीआई के आदेश के बाद बैंक के बाहर व अंदर लंबी कतारें, यही नहीं बैंक के अंदर धरने पर भी बैठ गए हैं। पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने शिकंजा कसा है और खाता धारकों में अफरा तफरी मची हुई है। खाता धारकों में बैंक 1000 से ज़्यादा नहीं दे रही है, लोन पर भी रोक लगा दी है और अब पीएमसी खाता धारकों से पैसा जमा भी नहीं करा सकती है। आरबीआई ने पूरी तरह से रोक लगा दी है और रोक लगाने के बाद दीवा में पीएमसी बैंक के अंदर महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है दीवा की। दीवा में महिलाएं हंगामा खड़ा कर दी है और वो जवाब मांग रही हैं। फिलहाल जो आरबीआई ने आदेश दिया है वो ये है, 6 महीने तक की सेवा रोक दी है और 6 महीने में एक ही बार 1000 रुपये निकाल सकते हैं। उसके बाद आरबीआई अपना फैसला भी बदल सकती है। और इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता इस्लामुद्दीन खान ने क्या बात की है खाता धारकों से, हम आपको सुनाते हैं। क्या आपका नाम है? मेरा नाम अश्विनी केंद्रे है। आज सुबह मॉर्निंग में मैसेज आया था कि पीएमसी में सिर्फ 6 मंथ्स का ही आप 1000 रुपये निकाल सकते हो, लेकिन मेरा कहना क्या है, ऐसा क्यों है? नोटिस पहले देना चाहिए था, 2 दिन पहले, वो उन्होंने दिया नहीं था। आज कल तुमने डिपॉजिट ले लिया, जबकि हमारे पास लेटर है उसमें 23 डेट आया है, तो कल का डिपॉजिट आपने नहीं लेना चाहिए था, वो आपने आज क्यों लिया और आज 1000 रुपये खाली दे रहे, बाकी भगा दे रहे हो, कैसे ऐसा चलेगा? पैसा 23 तारीख का डेट था, उस डेट को छोड़ के आज को दे, कल का डेट है 23rd का। ऐसे सबको मिस्टर जॉय करके कोई एमडी है, उनका व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज आया और बहुत लोगों को आया भी नहीं। मेरा मीनिंग है जो भी तुम्हारा इंटरनल रहेगा, हम लोग को आपका 23rd का लेटर है ना, और कल जो लोग आ रहे थे इनकमिंग, आपने उनके कैश एक्सेप्ट क्यों किए? जो लोग इसमें डिपॉजिट करे क्यों किए? लोगों को क्यों तो आप परेशान करे? नॉर्मल मिडिल क्लास पब्लिक है, हायर पब्लिक को बैंक पे भरोसा क्यों करती? घर पे चोरी हो गई थी पापा, बैंक पे अपना पैसा से होगा। आप सडनली रातों रात, आपको बोलते हमको रात को 12 बजे लेटर मिला और आप सुबह 9 बजे हमको फोन मैसेज डालोगे नहीं आपका पैसा सेफ है कुछ नहीं। तो अभी आरबीआई हमको बोल रही है कि आप शांत रहो। आरबीआई के पास हमने पैसा नहीं दिया था, रूल्स रेगुलेशन सब ठीक है, पर हमको हमारा पैसा जैसे भी है, पूरा भी है, हमको हमारा पैसा चाहिए, हमको कोई लेना नहीं, हम शांत बैठे रहेंगे। अभी बैंक के मैनेजर से आप लोगों ने बात की, उन लोगों ने क्या कहा? आप लोग यही कह रहे हैं कि 6 महीने में सिर्फ 1000 रुपये निकाल सकते हो, छह महीने के बाद आपको पैसा मिलेगा? हम लोग बैंक में पैसा डालते क्यों है? हमारे घर में सेफ्टी नहीं है, इसके लिए बैंक में डालते हैं ना। अगर यही है लोग ऐसे करेंगे, यानी बैंक की तरफ से कहा जा रहा है कि आप 6 महीने में एक बार पैसा निकाल सकते हैं। 6 महीने में 1000 रुपये हमारे, मेरा अकाउंट है तो मेरे पैसे पे सिर्फ मेरा हक होगा, बैंक का हक नहीं कि कब विड्रॉ करना है। बैंक कौन होती है डिसाइड करने के लिए 1000 रुपये देगी करके? मुझे 6 घंटे की बात की गारंटी नहीं है। कल अगर हम लोग आएंगे, इधर ताला लगेंगे, हम लोग जाएंगे किधर? हमारा पैसा कहाँ है? अगर आरबीआई ने ये सब इशू किया है, ठीक है, तो मेरा कहना बैंक का इशू है ना, तो बैंक का जो चेयरमैन है उसका प्रॉपर्टी सील करे। पब्लिक को इशू नहीं करना चाहिए, जो बैंक का चेयरमैन है। लोगों को यहाँ क्या इशू बताया जा रहा है कि क्यों पैसे आप लोग जमा कर सकते हैं लेकिन 6 महीने में एक बार निकाल सकते हो 1000 रुपये? आखिर इसे क्या वजह आप लोगों को? वजह यही है कि आरबीआई ने बोला है कि पीएमसी बैंक में को भी घोटाला हुआ है, उसके वजह से तुम्हारा पैसा सेफ है। सेफ है हम भी जानते हैं, लेकिन आरबीआई का कहना क्या है, बैंक ने घोटाला किया तो पब्लिक को क्यों इशू करना है? बैंक का चेयरमैन का जो प्रॉपर्टी सील करो, तुम्हारा घोटाला तुम देख लो, पब्लिक का पैसा रिफ्यूज कर दो, हमारा अकाउंट क्लोज कर दो। पैसा हमने पीएमसी में डाल गए, ठीक है, आरबीआई के गाइडलाइन के अंदर पीएमसी चल रही थी, पर जिसने फ्रॉड किया व्हाटएवर रीजन के उसे, पर हम लोग अपने पैसे पीएमसी में भर रहे थे, हम क्यों भोगते? तुम्हारा इंटरनल है, उन्होंने टैक्स नहीं पे, जो भी रीजन है आप उनको फाइन करो, हम नॉर्मल पब्लिक क्यों सफर करे? भीख मांगे 1000 रुपए, 6 महीने में 1000 रुपए उपकार कर रहे हमको देके, 10 तारीख में पैसा ले उखाड़ के ले, 10 तारीख में पैसा भरा है ना, वो कैंसिल करने का ना, अभी 10 तारीख पैसा ले आया 10000 रुपए। कल तक इनका ट्रांजेक्शन चालू था, कल इनको अगर मैसेज मिला तो इन लोग ने कल देना चाहिए था। आज अभी इनका जो है वॉचमैन है वो बोल रहा है कि कल तक बैंक चालू, आप कल आओ, कल कह के लिए बैंक में आए, अगर आज तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो कल आके हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? अभी आज आप लोग यहाँ पर आए तो आप लोगों को कैश मिल रहा है यहाँ पर निकाल के दिए? और जमा करने के लिए क्या है? जमा कर... अभी नहीं हो, अभी बंद किया है, अभी बंद किया है। मुझे बताओ आर्मी के नोटिस 9 बजे से बंद है, 9 बजे से आज कल डिपॉजिट हो रहा है, कल डिपॉजिट हो रहा था, कल हो रहा था डिपॉजिट, उन्होंने आज बंद किया, तो ऐसा क्यों किया? मुझे बताओ, कोई भी कंपनी नोटिस इशू करती है तो 10 दिन या 7 दिन पहले करती है, ठीक है, 7 दिन पहले करती है,
लिया, एटलीस्ट कल के पैसे लोगों के जेब में रहते थे, आज जो सफर कर रहे बाकी तो ठीक है, पर तुम लोग हमारे पब्लिक को पैसा डेली, जब डिनोमिनेशन होता तब भी पब्लिक को डेली पैसा मिल रहा था, आप हमारे पैसे का आपको हक क्या होता है? बैंक से जो आप लोगों को एटीएम वगैरह मिला है उससे क्या आप लोग निकाल सकते हैं? यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, एटीएम सब चीज बंद कर दिया। मैंने कहा डिपॉजिट किया और मैं यूपीआई से ट्रांसफर करती, शाम के 7 बजे नहीं हुआ, रात को 9 बजे का नहीं हुआ, फिर मैंने ऑनलाइन जब सुबह ओपन किया वो भी नहीं हो रहा है, तो आपको राइस दिया आपने, हमको किसी को मेल डाला आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बंद हो गए, इनके यहाँ से कोई हमको मेल कोई कंफर्मेशन मिला नहीं मिला, ये होते कौन है? हमारे पैसे का राइट का डिसीजन लेने वाला किया, हमको 1000 रुपए देंगे 6 महीने में, हमको हमारा हक का पैसा अभी का बीच हम कुछ नहीं, हमारा अपना निर्णय नहीं चेंज करके हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं। एक बार उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भले 6 महीना बोल रहे ना, तो 2 महीने के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आज से चालू करो, तो पब्लिक आराम से अपना पैसा निकाल लेगी। अगर उनका 6 महीना बोल रहे, अगर उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया आरबीआई ने, तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे? तो आरबीआई जो बोल रही है गाइडलाइंस 6 महीने में या धीरे धीरे सुनो अमेंडमेंट करते बैठेगी, तो आरबीआई सिक्योरिटी देती है हर पब्लिक को, मेल करेगी दिस इज मेघना खरा जीरो अकाउंट, आपका इतना बैलेंस है, अगर पीएमसी पे नहीं करती तो आरबीआई मुझे क्रेडिट करेगी, आरबीआई गारंटी देती है, एश्योरिटी देती है, तो हम लोग चले जाएंगे। लेकिन अभी जो इन्होंने जो किया एक्शन लिया, इसमें पब्लिक को सफर होना पड़ा, बैंक वाले थोड़ी सफर है, घोटाला बैंक वाले करेंगे सफर पब्लिक होगी, देख लीजिए, ये चेक भी लिया सब कुछ लिया, अभी तक वो ट्रांसफर किया ही नहीं, अभी मेरे को वापस भेजा, क्या बोले अभी क्या अंदर से कहा? मैंने फ्राइडे से ट्रांसफर किया गांव से 32,000, अभी उन्होंने अभी तक नहीं हुआ वापस मेरे को, ये जमा करके रखे, अरे ये चेक ये देख लीजिए 32,000, ये मैंने देखो चेक और फॉर्म, अभी मेरे को वापस भेजा, देखो कुछ भी नहीं दिया ना अभी मैंने, ये देखो कल बोलना मांगता था ना, कल मैं ट्रांसफर पैसे किया, कल बोलना मांगता ना कि बंद होने वाला क्या क्या कुछ भी है, नहीं हाँ पूरा पैसा मांगता हमको। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार गुप्ता सर जी। आपने भी पैसे जमा किए? 60,000 रुपए मेरा जमा इधर सर जी। तो अभी मिल रहा है आपको पैसे नहीं? अरे मेरा अकाउंट बंद हो गया है सर, अभी मैं एटीएम निकाल रहा था बंद है इंटरनेट। मैनेजर से मिले आपने? नहीं सर अभी किसी से नहीं मिला, मैंने अभी डायरेक्ट सुना जो है काम पे गया था मैं, वहाँ पर निकाल रहा था पैसा जो है, देखा तो मेरा एटीएम बंद बता रहा है सर। कितना पैसा? 60,000 रुपए है सर। तो आपने सुना लोगों में किस तरह का गुस्सा है, दीवा में महिलाएं क्या बच्चे बूढ़े जवान हैंडीकैप सभी लोगों में भगदड़ मची हुई है, और खाता धारकों ने कहा जब तक हमारी पैसा नहीं मिलेगा तब तक किसी कर्मचारी को यहाँ से यानी बैंक से बाहर नहीं जाने देंगे। बहरहाल लोगों का जमा हुआ पैसा वो तक नहीं निकाल सकते हैं, कई लोग इस खबर को सुनकर हदस गए हैं, तो कई लोग बैंक के अंदर ही रो पड़े हैं। कोई बेटी की शादी के लिए पैसा जमा रखा था, उसकी तो सपना चकनाचूर हो गया। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।